इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों पर ये जो काला धब्बा लगा है, हर व्यक्ति को भय रहता था। इस देश की जुडिशरी को इतना भयभीत कर दिया गया था, जुल्म की तीव्रता कितनी भयंकर होगी। देश ने कभी सोचा तक नहीं था कि सत्ता सुख के मोह में, परिवार भक्ति के पागलपन में लोकतंत्र और संविधान की बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हिंदुस्तान को जेलखाना बना देंगे, देश के गणमान्य राजनेताओं को सलाखों में बंद कर देंगे। हर व्यक्ति को भय रहता था। इस देश की जुडिशरी को इतना भयभीत कर दिया गया था, और जो संविधान के प्रति समर्पित थे उनको मुसीबत झेलने के लिए मजबूर कर दिया था, और जो परिवार के सुख के लिए समर्पित थे उनके लिए पांचों उंगलियां घी में थी। राजीव गांधी के खाते में मीडिया के प्रति उन्होंने कैसा व्यवहार किया वो इतिहास सब मीडिया वालों को मालूम है, लेकिन वो इकलौती घटना नहीं थी। आपातकाल में बहुत कम लोग थे जो वाणी स्वातंत्र के लिए, अखबार की आजादी के लिए संघर्ष का रास्ता चुनने के लिए मैदान में आए थे। जुल्म की तीव्रता कितनी भयंकर होगी कि जो वाणी स्वातंत्र के लिए जिंदगी खपाने वाला पत्रकार था उसको भी उस हालत में जीना मुश्किल हो गया और उसको झुकना पड़ा। किशोर कुमार फिल्म इंडस्ट्री के अच्छे पार्श्व गायक, उस समय कांग्रेस ने कहा कि हमारे यहां गाने बजाने के लिए आ जाओ, उन्होंने कहा ये काम हम नहीं करेंगे। बस उनका इतना ही गुनाह था कि देश के रेडियो पर से, उस समय टीवी नया नया शुरू हुआ था, सब जगह पे किशोर कुमार छुट्टी, एंट्री नहीं मिली। कितना आक्रोश, कल्पना कर सकते हैं आप। अरे इतना ही नहीं, उसके बाद लंबे अरसे के बाद एक आंधी फिल्म बनी। ये इतने भयभीत हो गए कि शायद आंधी फिल्म भी उनका जीना मुश्किल कर देगी, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। महात्मा गांधी जैसे महापुरुष, सुभाष बाबू जैसे महापुरुष आजादी के आंदोलन में कांग्रेस की इतनी लंबी सुदीर्घ यात्रा, वो कौन सी मानसिकता होगी जिसने सत्ता सुख के लिए अपनी स्वयं की कांग्रेस पार्टी के टुकड़े कर दिए हो। आपातकाल के दिनों की मानसिकता और वर्तमान कांग्रेस की इम्पीचमेंट मोशन, उस मानसिकता के में कोई अंतर नहीं आया है, इसका जीता जागता सबूत। हमारे देश में करीब करीब सभी प्रकार की पार्टियों कभी न कभी सरकार में हिस्सा रही है, लेकिन हर किसी ने राजनीतिक मतभेद होने के बाद भी एज ए इंस्टीट्यूशन इलेक्शन कमीशन का हमेशा गौरवगान किया है, उसको ताकतवर बनाने की दिशा में अपनी अहम भूमिका अदा सबने की है। जो कभी 400 लेकर के बैठे थे, पंचायत से पार्लियामेंट तक एक ही परिवार का राज चलता था, और हम 400 से 44 पे आ गए।
अब इलेक्शन कमीशन को देखते हैं, ईवीएम ऐसा, ईवीएम वैसा, ईवीएम ने किया, ईवीएम को कर्नाटक के चुनाव के बाद ईवीएम याद नहीं आया उनको। जिस पार्टी के अंदर लोकतंत्र न हो, उस पार्टी से लोकतंत्र की प्रतिबद्धता कभी कल्पना नहीं कर सकते। और जो भ्रम फैलाया जा रहा है, भय फैलाया जा रहा है, वो उन्होंने पुराने सब घटनाओं को देख लीजिए, उन्होंने इनकी मोडस ऑपरेंडी ऐसी है।